अब एक बड़ी खबर भिवानी से है। हरियाणा में 306 स्टेट परीक्षार्थियों का रिजल्ट रद्द। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने रद्द किया रिजल्ट। 2022 के स्टेट परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया गया है। बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने इसकी जानकारी दी है। बार बार बुलाने पर भी नहीं आए बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए परीक्षार्थी और कहा कि 3 बार बायोमेट्रिक के लिए नोटिस दिया गया, नहीं आए तो फिर परिणाम रद्द किया गया। अब बायोमेट्रिक के लिए देना होगा आवेदन। बोर्ड कमेटी करेगी बायोमेट्रिक करवाने का फैसला। यानी कि अब अगर बायोमेट्रिक करवाना है तो पहले आवेदन दीजिए, उसके बाद कमेटी फैसला लेगी। और बार बार नोटिस देने के बाद भी ये परीक्षार्थी बायोमेट्रिक के लिए नहीं पहुंचे, इसलिए इनका रिजल्ट रद्द किया गया है। 3 बार इन्हें बुलाया गया लेकिन बायोमेट्रिक के लिए नहीं पहुंचे, नोटिस 3 बार दिया गया और अब रिजल्ट रद्द किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जगबीर घणकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगबीर, स्टेट के परीक्षार्थियों का जिस तरह से रिजल्ट ये रद्द किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? इस प्रकार हर साल जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा पात्रता परीक्षा लेता है, उसका रिजल्ट घोषित किया गया था 2022 का। उसमें 306 परीक्षार्थी जो है उसमें बायोमेट्रिक में उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि जो भी रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है उसके बाद बायोमेट्रिक का मिलान उनका किया जाता है। ऐसे में 306 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एचएस में पास तो हो गए थे लेकिन बायोमेट्रिक के लिए बार बार बुलाने पर, यानी कि 3 बार मौका देने पर भी शिक्षा बोर्ड द्वारा वो अपनी बायोमेट्रिक का मिलान करवाने नहीं पहुंचे। तो ऐसे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसे एचएस पास 306 परीक्षार्थियों का रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जो वीपी यादव है उन्होंने दी है कि बार बार बुलाने पर भी ये परीक्षार्थी अगर मौजूद नहीं है इस वजह से इनका रिजल्ट जो है वो रद्द घोषित किया जाता है। यानी कि अगर इन्हें आगे से अगर एसएट की डिग्री चाहिए तो इनको दोबारा जब परीक्षा होगी तो दोबारा से इन्हें पेपर देना होगा, यानी कि इनको फेल समझा जाएगा और दोबारा से एसएट करने के लिए परीक्षा इनको देनी होगी। जी अच्छा, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में कमेटी बनेगी, आवेदन अगर किया जाता है तो क्या ये संभावनाएं भी बनती हैं कि बायोमेट्रिक के लिए एक और मौका दिया जाए इन परीक्षार्थियों को? जी फिलहाल अगर बोर्ड का रुख देखे तो बोर्ड ने बार बार इनको 3 बार जो है वो नोटिस भेजा कि अपनी बायोमेट्रिक का मिलान करें। हालांकि बोर्ड इस पर भी विचार कर रहा है कि इस पर कमेटी बनाई जाए, एक और मौका दिया जाए, लेकिन उसकी संभावना न के बराबर लग रही, क्योंकि अगर ये अभ्यर्थी जो है 306 तो पास हुए थे, इन्होंने बायोमेट्रिक का मिलान करवाना होता तो इनकी तरफ से कोई न तो कोई आवेदन दिया गया है, 3 बार बुलाने पर भी आए नहीं है। ऐसे में इनके द्वारा आवेदन किए जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में अगर ये आवेदन नहीं करते तो शिक्षा बोर्ड की कमेटी भी जो है वो निरस्त समझी जाएगी। यानी कि कह सकते कि फिलहाल जो 99% चांस ये कि ये 306 जो अभ्यर्थी थे इनका रिजल्ट जो है वो रद्द घोषित कर दिया गया। चलिए जगबीर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।